रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से सलाम पेश करूंगा। खास तौर पर यूट्यूब लिसनर्स, आपको खुदा ब्लेस करे और बहुत बरकत दे, बहुत सरफराज करे। और मैं आपको इनक्रेज करूंगा कि अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हैं स्कूल ऑफ प्रेयर के, तो दैट्स वंडरफुल, ऑसम, और रिवीजन करते रहें और दूसरों से शेयर करें ताकि आपको याद हो और आपको आपको उसकी याद दहानी होकर आपकी स्पिरिट में जब तक उतर नहीं जाता। पत्रस के खात में लिखा हुआ है कि तुम अच्छा करते हो जिस पर गौर करते हो, ताकि जब तक वो ना फटे और सुख का सितारा ना निकले। तो कलाम पर गौर करना तब तक जब तक कि वो रेवलेशन नहीं बन जाता, ये मेरी और आपकी असाइनमेंट। शायद आपको किसी टीचिंग से इख्तलाफ हो शुरू में, लेकिन जब तक आप उस पर मेडिटेट नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे, सुन तो आपने लिया, रेजिस्ट भी कर दिया, अगर आपने उस पर मेडिटेट नहीं किया तो असाइनमेंट पूरी नहीं। अच्छे स्टूडेंट्स होने की वजह से, डिसाइपल्स कलाम के शागिर्द होने की वजह से, खुदा के शागिर्द होने की वजह से, आपको उस पर मेडिटेट करना जब तक कि वो ना फट जाए और सुबह का सितारा ना निकल पड़े। तो खुदा आपको बरकत दे, उन लेक्चर्स को सुने, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको करें, और कमेंट जरूर किया करें ताकि वो उस पर बेहतरी लाई जा सके, उसमें एडिशन हो सके, क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं ताकि उनको एड्रेस किया जा सके। और अगर आपको इस खिदमत से बरकत मिल रही है, देन यू कैन सो योर सीड्स। आप अपने हदियाजात, अपने कंट्रीब्यूशंस भाषा की वसत के लिए, चैनल के लिए और लाइव सर्विसेज के लिए भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा कि हम टंग्स के ऊपर ही आज आगे बढ़े, और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परेशान करने लगा हूं मैं। आई बिलीव कि आपको परेशान होना जरूरी है टीचिंग की गर्ज से, ताकि आप हिलते जुलते रहे। मैं चाहूंगा कि आप पहले आयत निकाले मेरे साथ, इमाल की किताब, और छठी आयत से मैं पढ़ता हूँ। बाइबल को जब पढ़ते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, रेफरेंस से पढ़ें, तो आपको कुछ नॉलेज के साथ साथ मिस्ट्रीज भी डिमिस्टिफाई होंगी। यहां लिखा है, पस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, क्या खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा। मैं टंग्स की बाबत ही बात करूंगा, लेकिन मैं आज इस स्क्रिप्चर की सपोर्ट लेने लगा। सातवीं आयत को गौर से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। अब आठवीं को इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमेशा पढ़ा जाता है या सुनाया जाता है। सुना आपने, छठी का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्या आप चल रहे। एक क्वेश्चन शागिर्दों की तरफ से पुटअप किया गया और उसका आंसर जो है वो टीच किया जाता, उसके आंसर में से भी जुजवी टीच किया जाता, आई एम सॉरी, पार्शली कोट किया जाता उसके आंसर को अपने मकसद को फुलफिल करने के लिए, लेकिन उसकी कंप्लीट टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें जाकर, तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात क्या हो रही है। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर ता करेगा। मैंने शुरू में बोला शायद आपको शायद ये टीचिंग परेशान करें, लेकिन आई वॉन्ट यू टू पॉन्डर अपॉन दीज स्क्रिप्चर्स। आई वॉन्ट योर स्टडी मैथड्स बी चेंज टोटली। उसने उनसे कहा, कॉन्टेक्स्ट देखें, आंसर शुरू हुआ है क्वेश्चन का, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ओके ओके, अब इस लेकिन वर्ड को कौन आंसर करेगा। इस लेकिन वर्ड की समझ आती है आपको, ये यीशु बोल रहे हैं एक क्वेश्चन के आंसर में, आधी बात पीछे है, लिंक वर्ड बीच में आ गया, लेकिन लेकिन अब इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा, उसकी मिनिस्ट्री का आगाज होता है, तुम कुवत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में
بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ اب یہاں پر میں اسے روکتا ہوں۔ آپ نے دھیان دیا، کوشچن کچھ اور ہو رہا ہے اور آنسر کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ لیکن کیوں بولا ہے یسو نے، اس پر ذرا فوکس کریں آپ۔ آج میں آپ کا فوکس اس پر کروانا چاہ رہا ہوں، اس پر فوکس کریں، لیکن ورڈ پر۔ حالانکہ یہ آنسر بنتا نہیں اگر پڑھیں، آنسر کچھ اور اوپر، میرا خیال کئیوں کو لگتا کہ اوپر آنسر ہو گیا کمپلیٹ، لیکن نہیں، لیکن جو ڈل گیا، جیسے میں نے بات کرتے کرتے لیکن ڈال دیا، لیکن نہیں کہا، اس کا مطلب ہے کہ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، اس کی منسٹریز اب شروع ہوتی ہے، تو کچھ ڈائمینشنز شروع ہوتی ہیں روح القدس کے ساتھ، کچھ ڈائمینشنز شروع ہوتی ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کو یہاں پر پوز دیں اور میرے ساتھ آپ چلیں کرنتھیوں کے خط کے اندر، کرنتھیوں خط کے اندر، اس کے پہلے کرنتھیوں میں دوسرے باب میں چلیں، اور اس کے دوسرے باب کی چوتھی آیت سے دسویں تک پڑھے دیتا ہوں میں۔ پال لکھتے ہیں یہاں پر، اب میری تقریر اور میری منادی، یاد رکھیے یہ وہ شخص ہے، جب بھی اس بندے کو پڑھے نا تو یہ ضرور آپ کے مائنڈ میں بیک اینڈ پر کہیں پر بات الرٹ رہے، آن رہے بٹن آپ کا، کہ یہ وہ شخص ہے جس کو مکاشفوں کی زیادتی کے سبب سے، نوٹ مکاشفوں کی سبب سے بلکہ مکاشفوں کی زیادتی کے سبب سے کانٹا چبویا گیا ہوا تھا۔ زیادتی، اس ورڈ پر میں آج فوکس کر رہا تھا۔ زیادتی کیسے یار، کیسے زیادتی؟ مطلب خدا آپ کو، خدا کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس درجے تک نہ جانے دے کہ آپ پھول نہ جائیں۔ بھائی آنے تو ریولیشنز خدا سے ہی تھے نا، مکاشفوں کو آنا تو خدا ہی سے تھا، تو پھر خدا نے زیادتی کیوں ہونے دی اسے؟ خدا کو ایک لمٹ نہیں لگانے دینی چاہیے؟ آج میں غور کر رہا تھا اسکرپچر پر، فرسٹ ٹائم میں نے کبھی نہیں سنا، ایسے پڑھا نہیں، کہ کیا خدا کو پوز نہیں کر دینا چاہیے تھا اس کے ریولیشنز کو؟ نہیں 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 نہیں، اس ریولیشن کے کنٹینیوٹی کا ایک ریزن تھا، اور وہ ریزن تھا ٹنگز، سپیکنگ ان ٹنگز۔ یہ بندہ اس راز کو جان گیا ہوا تھا کہ سپیکنگ ان ٹنگز جو ہے وہ مسٹریز کو ریویل کرتی ہے، یہ بند نہیں کرتا تھا، یہ اس کو انکریز کرتا تھا، اور یہ خدا سے ان ریولیشنز کو لیتا جا رہا ہے، 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 اور خدا بھی اس کو بند نہیں کر رہے، اس کو جاری رکھے ہوئے ان ریولیشنز کو ریلیز کرتے ہوئے، ریویل کرتے ہوئے۔ مائی گاڈ، مائی گاڈ، مائی گاڈ۔ ایک دن میں خدا کے خادم ٹی بی جوشوا کو سن رہا تھا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آج تک میرے کانوں میں وہ بات ان کی گونجتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شاید کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو جو سن رہے ہیں لائیو، نہیں بھی ہضم ہوتی تو آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ یہ روحانی باتیں۔ کہتے ہیں جس قسم کا، جس بلاوے کا میں خادم ہوں، میں خدا کی کاؤنسل میں کھڑا ان چیزوں کو بھی پڑھ لیتا ہوں جو خدا سم ٹائم مجھ پر ریویل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، میں پیچھے سے جا کے دیکھ لیتا ہوں، جو شاید سیکرٹ رکھا ہوتا ہے، ہڈن رکھا ہوتا ہے، یا کسی اور مدت کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اس طرح سے انکاؤنٹرز اور ایکسپیرینس ہوئے ہوں۔ آئی بلیو کہ ٹی بی جوشوا صاحب تو آج کے دور کے خادم تھے۔ تھنک اباؤٹ پال، تھنک اباؤٹ پال، جس بندے کے مسٹریز کے، ریولیشن کے اتنے کو وہ ہیں، ریکارڈز ہیں، کہ ابھی بھی بائبل مقدس میں پورے خطوط تو اس کے نہیں ہیں، ایون کرنتھیوں کے نام جو خط ہے، پہلا خط ہے، وہ نہیں ہے، پہلا نہیں ہے، کیونکہ پہلے کے اندر ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے، کہ پہلا خط جو میں نے لکھا کرنتھیوں کو،
पहले खत के अंदर जिक्र हुआ कि पहला जो मैंने लिखा तुम, तो इसका मतलब उससे भी पहले था, तो वो नहीं है। और भी बहुत से हैं जो पॉल की राइटिंग्स हैं और वो नहीं है। इवन उसने जो ऊपर देख सुना, उसने जो नीचे जमीन पर बयान करना नहीं था वो भी रिटर्न में रखकर उसे भी सील कर दिया। थिंक अबाउट जो थोड़े हाथों डॉक्यूमेंट लग जाए तो तुम कितने हवावां च उड़ते फिरो, की मिस्ट्रीज उस खोल दतियां होंगियां खुदा ने। ऊपर से सुन के आया ना, कहता उत्ते तो है ना रवा, थले जमीन ते नहीं गया रवा, ऊपर लीगल है नीचे नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद मिस्टेकनली, केयरफुली नहीं, मिस्टेकनली खुदा के खादिम जमीन पर कर देते हैं। जैसे मैंने अभी शायद टीबी जोशुआ की बात बोल दी, मैन ऑफ गॉड मर्दे खुदा टीबी जोशुआ की, शायद कईयों को बुरी लगे और हजम ही ना, लेकिन मे भी मिस्टेकनली उन्होंने कर दी है, लेकिन मेरे लिए उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैंने उसमें से बहुत कुछ सीखा। अब सुने ध्यान से, मैं उस हवाले पे वापस आता हूँ। हम मिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं और इसका लिंक बोल रहा हूं मैं जुबानों के साथ, और मैं इन मिस्ट्रीज को मैं लिंक कर रहा हूं होली स्पिरिट के साथ, और मैं इस होली स्पिरिट को लिंक कर रहा हूं लेकिन के साथ, और मैं इस लेकिन को लिंक कर रहा हूं उस क्वेश्चन के साथ जो यीशु मसीह को किया गया था। मेरी बात की मेरा ख्याल अब आपको फाउंडेशन समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कहना चाह रहा हूं। शायद ये टीचिंग जो आज आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, शायद ये भी आपको जल्दी हजम ना हो, शायद आप जो जूम मीटिंग में हैं, शायद आपकी डाइजेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग होना है, हार्ड होना है जो बात मैंने बोली है। और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत के लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा, तुम कुवत पाओगे, ताकि मैंने वो वहां से बोली, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। आगे कहते हैं, फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत की नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत। नाउ फोकस ऑन दिस वर्ड, देयर इज ए हिकमत दैट इज पोशीदा, दैट इज हिडन, दैट इज सीक्रेट। मतलब यह हुआ कि वो किसी से हिडन रखी गई है, वो किसी के लिए सीक्रेट है। मे भी वो मेरे लिए सीक्रेट ना हो, मे भी वो मैन ऑफ गॉड टीबी जोशुआ के लिए सीक्रेट ना हो, लेकिन किसी, याद रखे, राज सब के लिए राज नहीं होता। और इवन इमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जो पाक हैं, जो रास्तबाज हैं, वो ही महर में राज हैं। खुदा उन्हीं को राज खोलता है, खुदा उनके साथ शेयर करता है। कोई वर्ष ढूंढकर उसे कोट करें, यहां पर इमसाल की किताब में जाकर ढूंढे, 20 से आगे होगा या एंड वाले चैप्टर्स में होगा, आई डोंट, अभी मेरे पास वो वक्त नहीं है कि मैं उधर जाऊं, मैं इस फोकस पर कर रहा हूं, कोई चला जाए वहां पर। बल्कि हम खुदा की वो पशीदा हिकमत, इट्स मीन ये हिकमत भी है और ये पशीदा रखी गई है ताकि कुछ इसको एक्सेस ना कर सके और कुछ कर सके, भेद के तौर पर बयान करते हैं मिस्ट्रीज में। अभी भी वो कहता है मैं उसको पूरा नहीं रिवील करता, जे मैं कारबा तो ताड़ी शायद वो समझो ही बाहर हो जाए। भेद के तौर पर मिस्ट्रीज में रिवील करके नहीं, इसलिए चूंकि ये रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर जानी होती है, चूंकि ये आप लोगों ने सुननी है, उसके बाद जनरेशन ने सुननी है जब तक मसीह नहीं आ जाते, इसलिए कई बातें लिटरली आई एम टेलिंग यू मैं रोक लेता हूं, मैं आपसे नहीं शेयर करता। भेद के तौर पर अगर कर भी रहा हूं तो उसे ऐसे कर रहा हूं, थोड़ा सा लपेट कर रहा हूं ताकि वो, और कई दफा ना बच्चे नू जो बैंगन खवाना है ना, तो मैं याद है मेरे, थैंक यू सो मच, जड़ी भी आए थे इन अगर कॉपी कर देता जाए थे, जो मैं छोटा सा ना तो मैं बैंगन नहीं सन पसंद, तो शुरू शुरू च माँ प्यो ने पता की किया, उन्होंने ना बैंगन ना बुरकी दे ना लपेट के खवाना ताकि ना बुरकी का टेस्ट उत्ते आए तो बैंगन चबिया जाए, तो वह किसी तरीके मैं लंघ जाना ना। फिर उन्होंने लालच देना शुरू करता, मैं याद है अबे मेरे ने कि जड़ा रकाबी नू साफ करेगा ना इंज जिमें धुप्पी हुई है तो बनाओ ना बैंगन लैने तो मैं उन्होंने आइसक्रीम खवावगा। तो वह मेरा ख्याल है मैं ये वाली कदी भी नहीं जित सके, आयजिक भाई व्डे जित जाते होंगे। सम टाइम आपको कुछ ऐसा जब खिलाना हो, आपको पता जब कैप्सूल्स मेडिकली आप मेडिसिन खाते हैं कैप्सूल्स, उनको ऊपर लिखा खोलना नहीं, खोल के नहीं खाना, पूड़ी बना के नहीं,
ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਕਭੀ ਕਭੀ ਮੈਨੇ ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਕੈਪਸੂਲ ਮੈਨੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਡਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਢੂੰਡਤਾ ਫਿਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਜ ਰੋਜ਼ ਸੇ ਖੁਦਾ ਉਨਕੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਉਸਕੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਉਸਕੇ ਉਸਕੇ ਸੀਕਰੇਟਸ ਕੋ ਉਸਕੇ ਰਾਜ਼ੋਂ ਕੋ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਕੋ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਉਸਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਵੋ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕਾ ਕੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਵੋ ਸਿੱਧੀ ਸਟਮਕ ਮੇਂ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਈਵਨ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਤਾ ਕੇ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਕੋ ਵੋ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਭੇਦ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਆਪਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਆਪਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੜਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੇ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਟੀ ਬੀ ਜੋਸ਼ਾ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਵੋ ਆਪਕੇ ਲਈ ਅਭੀ ਆਪਕੀ ਬੋਡੀ ਕੇ ਲੈਵਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲੈਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੇ ਵੋ ਲੈਵਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਬਲਕਿ ਹਮ ਖੁਦਾ ਕੀ ਵੋ ਪਸ਼ੀਦਾ ਹਕਮਤ ਭੇਦ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਹਾਨ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਲਮ ਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਣਤੀ ਇਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਪੇਸ਼ਤਰ ਹਮਾਰੇ ਜਲਾਲ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀ ਥੀ ਹਕਮਤ ਵੋ ਵਾਲੀ ਜਿਸੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਕੇ ਸਰਦਾਰੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਾ, ਰੂਲਰਸ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾ ਤੋ ਜਲਾਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋ ਮਸਲੂਬ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਬਲਕਿ ਜੈਸਾ ਲਿਖਾ ਇਸ ਵਰਸ ਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਲਿਖਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੁਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਨਾ ਆਂਖੋਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਆਦਮੀ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਆਈ, ਵੋ ਸਭ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਆਂਖੋਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਆਦਮੀ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਆਈ, ਇਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਨੋ ਖੁਦਾ ਕੇ ਆਗੇ ਇਰਾਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਨਕੋ ਰੂਹ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਤੁਮ ਪਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਨਕੋ ਰੂਹ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ। ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਥਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਦੇਤੇ ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋ ਵਕਤੋਂ ਔਰ ਮਿਆਦੋਂ ਕੀ ਬਾਬਤ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਂਸਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋ ਰੂਹ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਸਭ ਬਾਤੇਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਤਹਿ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਵੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ। ਯੇ ਰੂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਟੰਗਸ, ਹਮ ਇਸਕੋ ਸੀਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਜੋ ਬੇਗਾਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਮੇਂ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੋ ਖੁਦਾ ਸੇ ਭੇਦ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਹੂੰ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨੇ ਕੇ ਟੀਚ ਕਰਨੇ ਕੇ ਮੂਡ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫਿਰ ਰਹਾ ਥਾ। 10:20 ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਥਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਚਾਹੇ ਪੀ ਰਹਾ ਥਾ, ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਔਰ ਐਂਡ ਪਰ ਇਹ ਹੁਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਡਨਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਖੋਲ ਹੀ ਦੂੰ, ਇਨ ਵਰਡਸ ਮੇਂ, ਇਨ ਵਰਸਿਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬ ਕੀ 4-10 ਤੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਵਰਡ ਪਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ, ਭੇਦ ਪਰ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓਂ 14 ਬਾਬ ਮੇਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪਰ, 13-14 ਆਇਤ ਪਰ ਮਿਸਟਰੀ ਵਰਡ ਪਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ, ਦੁਆ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਪਰ, ਵੋ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਸੇ ਭੇਦ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਯੇ ਪੌਲ ਭੇਦ ਬੋਲਤਾ ਥਾ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ 3 ਬਾਬ ਕੀ 16 ਆਇਤ ਮੇਂ ਕਿਆ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਪੌਲ, ਪੀਟਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਜਿਹਨ ਕੋ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਿਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੀ, ਜਿਸ ਭੇਦ ਕੀ ਪੌਲ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਟੰਗਸ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਇਸਕੋ
सीधी सीधी करके बात आपको बता रहा हूं, सीधी सीधी मैंने आपको बात बोली। आपको पता है यहां इमाल की किताब में वापस आए, सात पहले बाप की सातवीं आयत में वापस आए, इस वर्ड पर गौर करें, वक्त और मियादों का जानना, ये मिस्ट्रीज नहीं है। ये मिस्ट्री नहीं है जानना। हा 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 इंग्लिश से जाके पढ़ा ना, मतलब लिखा टू नो, ये मिस्ट्री नहीं है। अगर ये भेद है, अगर आप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये भेद ही है, मिस्ट्री ही है, तो फिर ये होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री नहीं है कि वो उसे रिवील करे। क्या ही होना कि झील सोलह में बाप की तेरहवीं आयत में ये नहीं था, यीशु ने बोला कि जो रूह है हक आएगा तो तानू। अच्छा पढ़ो उस आयत में, पढ़ो उस आयत में, ये होना सोलह तेरह तो ये होना सतारह सतारह। यूहन्ना सोलह तेरह, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। तमाम सच्चाई, इस वर्ड पर भी फोकस करें, तमाम, ऑल ट्रूथ। और फिर अगर चौदहवें बाब की छब्बीसवीं आयत को भी हम मुतालिया कर लें, इसी इंजील में चौदहवें बाप की छब्बीसवीं आयत, लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें यार यसू ते लिमिटेड नहीं जे मैं तुम दस दें, ऐसे नहीं टीबी जोशिया साहब ने बोल दिया अपने बारे में, इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने बोल दिया, ऐसे ही नहीं बोल दी। मिस्ट्रीज 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 मिस्ट्रीज। पॉल ने आख्या करंथियां दे खाचे, कहंदा है खुदा दा बंदा, कहंदा है बस लोकी सानू की समझण है, की समझण भला, कहंदा साडा तारफ भला की, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझ। पहला करंथियां चौथे बाब दी पहली आयत, आदमी हमको क्या समझे, मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार, खुदा के भेदों का ना के कलाम के भेदों, खुदा के भेदों का, मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, जड़ियां खुदा दे अंदर भी गल्लां छुपियां हुई ने ओ भी ताड़े ते खोल जान उस रूल कुदस दे वसीले, और ओ रूल कुदस दी केड़ी डायमेंशन दे वसीले, होली स्पिरिट दे वसीले। खुदा तुहानूं बहुत बरकत दे, अगर अज दे कलाम की समझ आई तो खुदा दे नाम जलाल, अगर नहीं समझ आई तो ओदे पैरां च बवो और इस रूल कुदस नूं मंगो और बेगाना जबाना च गल्लां करो, जे तुहाडे ते मिस्ट्रीज ना खुलण ते खुदा दा कलाम झूठा साबित होएगा और ये खुदा हुण नहीं देगा। खुदावंता नूं बहुत बरकत दे और खुदावंता नूं मुदाए महफूज रखे, मेरियां दुआवां तुहाडे नाल ने, खुदावंता नूं महफूज रखे और तुहानूं किसे ऐसी स्पिरिट दे ताबे ना होण दे, कनैक्ट ना होण दे जिहड़ी कि खुदा दी रूह नहीं। खुदावंता अपनी मसलत खिरद मसलत ते हिकमत दी दानिश दी और खुदावंद अपनी अपने भेद वाली रिवील करने वाली मुकाशफाती रूह नूं खोल दे, खुदा दी फुलनेस इस स्पिरिट दी, इस स्पिरिट दी फुलनेस ताड़े ते रिवील हो जाए, इन द मैच ने मुझे इसका आओ दुआ करना शुरू करें। यीशु के कदम नाम में इस स्पिरिट को इन्वाइट करें अपनी जिंदगी के अंदर, इस स्पिरिट को इन्वाइट करें। मैंने बोला था मैं थोड़ा सा आपको परेशान करूंगा, मैं क्यों आपको ये डोज दे रहा हूं, ताकि आपकी बॉडी आपकी स्पिरिट आपकी सोल इस डोज से हाई पोटेंसी की तरफ हाई कैपेसिटी की तरफ आगे खुलना शुरू हो, एडजस्ट होना शुरू हो, आप एडजस्ट होना शुरू हो स्ट्रोंग के लिए, आप एडजस्ट होना हो शुरू हो जाए स्ट्रोंग मीट के लिए। पॉल जाके बरानी के खत में पांच बाब में लिखते हैं सख्त गजा के लिए, पोली 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 तोबा कर लो बपतिस्मा ले लो
मेरे को दुआ करा लो, इंज कर लो, उंज कर लो, ये इब्तदाई बातें ईमान ले आओ। तो पॉल कहता है पास आए आओ, इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ हम आगे बढ़ते। पीपल ऑफ गॉड गेट रेडी कि इस रूल कुदस की मिनिस्ट्री से आप पूरा बेनिफिट लें, आप पूरा बेनिफिट लें। ये रूल कुदस आपको राह चलते, उठते बैठते, आपको ऑफिसेज में, आपको आपकी गाड़ी में, आपको आपके दफ्तर में, आपको ड्यूटी करते हो, आपको किचन में खड़े, आपको घर में खड़े, आपको गली में खड़े, आपको किराना स्टोर पर खड़े, आपको खाना खाते हुए ये रूल कुदस आपके साथ बातें करता चला जाए, बातें करता चला जाए, बातें करता चला जाए। समटाइम आप बैठे हो, आपको स्पिरिट में नजर आना शुरू हो जाए, आपके ऊपर विजन्स खुलना शुरू हो जाए, आपके ऊपर आपके अंदर अंकशन आना शुरू हो जाए, आपको कलाम रिसीव होना शुरू हो जाए, आपको कहे वो कि मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे किस राह पर चलना है, आपको आंसर्स आना शुरू हो, आपको मिस्ट्रीज रिवील होना शुरू हो, आपको कलाम की टीचिंग्स खुलना शुरू हो यीशु के कादर नाम में। मेरी दुआ है कि ये मिस्ट्री रिवीलर जो है, ये रेवलेशन मास्टर जो है, ये आपको बाप से लेकर वो बातें पहुंचाए जो जहान के से पेशतर, इस जहान से भी पेशतर आपके लिए हिडन छोड़ी गई थी, और उस जहान के सरदारों पर नहीं, रूलर्स पर रवील नहीं, बल्कि आपको रवील करने और आप पर रवील करने के लिए ये रख छोड़ी गई थी। हालेलुया, यीशु के कादर नाम में मैं ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूँ। ये होली स्पिरिट आप पर जोर से नाजल हो, और रूल कुदस, लेकिन रूल कुदस तुम पर नाजल होगा। हालेलुया, यीशु के कादर नाम में आई प्रे, आई डिक्लेयर एंड डिक्री, लेकिन ये रूल कुदस तुम पर नाजल हो यीशु के कादर नाम में आज रात, लेकिन ये रूल कुदस तुम पर नाजल हो। हालेलुया, यीशु के कादर नाम में आई प्रे यूट्यूबर्स, लेकिन ये रूल कुदस तुम पर नाजल हो यीशु के कादर नाम में। खुदा अपनी कुदरत में, अपने जाहो जलाल में, अपनी पूरी प्रेजेंस में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी पूरी पावर में तुम पर नाजिल हो यीशु के कादर नाम में। लेकिन ये रूल कुदस तुम पर नाजिल हो कि तुम कुवत पाओ, लेकिन ये रूल कुदस तुम पर नाजिल हो कि तुम मिस्ट्रीज को रिसीव करना शुरू करो, लेकिन ये रूल कुदस तुम पर नाजिल हो कि तुम टंग्स में बोलना शुरू करो, तुम टंग्स में एक्टिवेट कर दीजिए यीशु के कादर नाम में। हालेलुया, आज के सरमन को ले लीजिए अपनी जिंदगी के लिए, आज इस कलाम को ले लीजिए अपनी जिंदगी के लिए। अगर आप रेडी हैं तो दिस वर्ड इज गोइंग टू पेनिट्रेट इन योर बॉडी, इन योर सोल, इन योर बोन मैरो, यीशु मसीह के कादर नाम में। मैं आपको बताऊं, ये मीटिंग प्लान नहीं थी, क्योंकि मैंने इसमें कलाम नहीं चुनाना था, मैंने इसमें टीच करना था, बट दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव इट इन द फुलनेस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड लेट इट एक्टिव बी एक्टिवेटेड इन योर लाइव्स, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आई प्रे कि आज रात से आपकी आंखें, आपकी आपकी सेंसेस, सबकी सब मिस्ट्रीज को कैरी करने वाली बन जाएंगे यीशु कादर नाम में। मिस्ट्रीज डिमिस्टिफाई होना शुरू हो आपके अंदर यीशु कादर नाम में। लेकिन वो चीजें जो आंखों ने ना देखी, ना कानों ने सुनी है, ना आदमी के दिल में आई है, वो रूह के वसीले आप पर जाहिर कर दी जाए यीशु कादर नाम, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तमाम सच्चाई, सब बातें, हालेलुया, इन जीसस माइटी नेम, आमेन, आमेन, आमेन। लॉर्ड वी प्रे फॉर योर किंगडम कम इन जीसस माइटी नेम, लेट योर किंगडम कम, तेरी बादशाही आए। हम तो दुल्हन के तौर पर खुदा खुदा ये बातें करते हैं, रूह और दुल्हन कहती है तू आ, तू आ, तू आ, और खुदा हम सबों को अपनी बादशाही में कायम रख, अपनी विरासत में कायम रख, अपनी हजूरी में कायम रख। एंड आई प्रे कि आज रात हमारा इकट्ठा होना, जमा होना, और ये टीचिंग्स को लेना हमारी कलीसियाओं की, घरानों की, शख्सी और आलम की कलीसिया की तरक्की का बाइस हो, इन जीसस माइटी नेम। It is well with you, people of God. It is well with you. आपके घरानों के साथ, आपके साथ, आपकी कलीसियाओं के साथ, आपके मामलात के साथ सब कुछ बेहतर है, बेहतरीन है। जब तक खुदावंद आपके साथ है, कौन आपका मुखालिफ है? Challenge that enemy. Who is that enemy? Who can stand before you? कोई नहीं खड़ा हो सकता। God bless you and love you. अगर आपको बरकत मिले, again I humbly request you, do subscribe, do share with others, do share with your group members. जितने भी ग्रुप्स में आप हैं, एंड इफ यू आर ब्लेस्ड विद दिस सर्विस, यू कैन सो योर सीड्स, आप अपने हदीयाजात और शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा की बादशाह की वसत के लिए आप अपने हाथों को खोल सकते हैं, अपने दिलों को खोल सकते हैं। ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।